my dear student, most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 7th class, I am teaching lesson number 9, active passive, in which I have taught you all the passive of present tense. Today I will teach you past. Past में पहला आता है past indefinite. Present indefinite की ताए थे और ताए इसकी ता था ती थे. ता था ती थी सब लगे होते हैं पर इसका सिंपल सेंटेंस एक्टिव रूप देखो इसमें क्या लगता है सब्जेक्ट प्लस बी टू सेकंड फॉर्म पर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से राम कल पहला सेंटेंस करेंगे सब्जेक्ट दिया गया का नाम खाता था राम राम हो जाएगा फिर बी टू एट होती है ईट एट ईटेड एट ऑब्जेक्ट ए मैंगो और जहाँ में स्टार्टे लगेगी कल की बीता हुआ है स्टार्टे ठीक है इसके बाद पैसे रूल देखो पैसे रूल फर्स्ट पॉप ऑफ ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब बार प्लस बार की थर्ड फॉर्म वाइ सब्जेक्ट अदर वर्ड ठीक है तो देखो ऑब्जेक्ट तो दिस इज वर्ब ए मैंगो विल बी ऑब्जेक्ट इसके साथ बाज लग जाएगा फिर बी थ्री एट के बी थ्री थी बी टेन वाइ राम यस्टरडे ठीक है नेगेटिव देखो नेगेटिव एक्टिव रूप क्या हो जाता है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगी एक डिड ठीक है प्लस नॉट अब बी वन आएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ब इसमें हो जाएगा राम कल ले काम नहीं खाता था तो अंग्रेजी हो जाएगी राम डिड नॉट ईट ए मैंगो यस्टरडे ठीक है इसके बाद पैसिव रूल पैसिव रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब बाजिया ठीक है नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट अदर वर्ब तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया ऑब्जेक्ट वही होगा ए मैंगो एंड ये बाज लग जाएगा फिर नॉट थर्ड फॉर्म रिटन बाई रॉन्ग स्टार्टे हो जाएगा ठीक है नेगेटिव देखो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एक्टिव और पैसिव एयरली आपको सेंटेंस बताऊंगा क्या होगा रूल में क्या करोगे आप जो डिड होगी पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट नॉट देगा तो रूल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट अदर इसमें डिड पहले आ जाएगा तो डिड अदर और रॉन्ग अदर और कुछ नहीं ईट ए मैंगो स्टार्टे वैसे ही लिखा जाएगा ईट ए मैंगो स्टार्टे ठीक है और पैसे में देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नोट जगह आ जाएगा तो बाज वर्ड पहले तो मैंगो फंसा बाज पहले लग दो बाज ए मैंगो ईटिंग बाय राम और ठीक है सेकंड सेंटेंस एज अ होमवर्क and also write some of the sentences of this type and try to solve them into both active and passive verb that's all for the video thank you